गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, साई राम, नमो नमः। आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारी पेपर पैटर्न। इसके लिए हम सबसे पहले से वापस एक बार रिवाइज करते हैं, एक बार दिखा देती हूँ सबको। क्वेश्चन नंबर वन इज योर अनसीन पैसेज, ओके। ये आपको बाहर से आएगा, सेम टू सेम मैंने नोट्स दिए उसमें से नहीं आएगा। आपको जो नोट्स भेजे वो प्रैक्टिस के लिए है। ऐसा ही छोटा पैसेज आपको बाहर से पूछा जाएगा। After that, your first question is for 6 marks, okay? Question number 1, your unseen passage for 6 marks. After that, your question number 2, is picture composition. Chitram drushtva vikalpe bhya uchitam sanskrut vakyam chinuta. Your lesson number 10, जो आपका लेसन 10 है उसमें से ही पिक्चर कंपोजिशन पूछा जाएगा। सो सब के सब एक्सरसाइज में भी जो पिक्चर्स है वो अच्छे से पढ़ के रखने हैं। क्या है 56, 57, 58, 59 पेज नंबर, ओके। आफ्टर दैट योर क्वेश्चन नंबर 3 for 3 marks, ओके। वो क्या है आपका टेबल्स, राम, लता, फल। आपको कौन से राम, लता, फल, जो भी आपको पोर्शन दिया है। आई थिंक आपको तद का टेबल भी है, यस, ओके। तद एतद, जो भी आपको राम, लता, फल, तद एतद पोर्शन में भेजा है वो सब टेबल आपने बाय हार्ट करने हैं। किसी भी टेबल की कोई भी लाइन कंप्लीशन के लिए आपको आ सकती है। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3। आफ्टर दैट योर क्वेश्चन नंबर 4 इज वाक्यानि बहुवचने परिवर्तयत। यहाँ पे आपका आएगा आपको कौन से लेसन है 13, 14, 15, 16, मतलब आपको बहुवचन में परिवर्तन करना है। यहाँ पे आपको विभक्ति का भी परिवर्तन पूछा जा सकता है। मैंने आपको बोला था कमलस्य उपरि भ्रमर गुंजति, तीन ऑप्शन से आंसर के उसमें अपने टिक करना है। कमलस्य षष्ठी एक वचनम, तो षष्ठी बहुवचनम क्या है, कमलानाम, तो आपका आंसर आएगा सेकंड वाला, ओके। ब्रह्मरह का बहुवचनम ब्रह्मराहा, गुंजति गुंजंती, ओके, सो इजी। आपको यहाँ पे विभक्ति की लाइन भी बहुवचन के लिए पूछी जा सकती है। दिस इज षष्ठी विभक्ति, ओके। आफ्टर दैट पार्ट टू हमने स्टार्ट किया था लकार। लकार मतलब कौन से लकार है आपके, लट लकार हो एंड लिट लकार हो, दो लकार आपको है, मतलब प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। कोई भी लाइन कंप्लीशन के लिए आ सकती है। मध्यम पुरुष देखो यहाँ पे दिया था खादिश्यसी डैश खादिश्यथ, तो क्या आएगा खादिश्यसी खादिश्यथ खादिश्यथ। लकार कौन सा है वो भी एंड में दिया होगा, पुरुष कौन सा है वो भी स्टार्टिंग में दिया है, ओके। ये 3 marks के लिए आपको क्वेश्चन नंबर 5 आएगा। लट लकार और लिट लकार दोनों में से पूछा जाएगा, ओके। कोई भी पुरुष वो भी अच्छे से पढ़ना है आपने, सब टेबल्स अच्छे से आपने बाहर अच्छे से पढ़ने हैं लट और लेट लकार में जो दिए हुए हैं, ओके। आफ्टर दैट योर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, उचितम क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूरयत। वो भी आपके लकार के एंडिंग्स के ऊपर है। त्वम है यहाँ पे, त्वम इज द सब्जेक्ट फॉर मध्यम पुरुष एक वचनम, तो उसके एंडिंग में क्या है त्वम, क्या फ्यूचर टेंस और पास्ट प्रेजेंट टेंस दोनों के एंडिंग याद रखो। यहाँ पे रचयति रचयसी रचयथ, मतलब ये लट लकार के एंडिंग है, तो त्वम रचयसी, लट लकार में मध्यम पुरुष का एंडिंग क्या है असी, त्वम रचयसी, त्वम चित्रम रचयसी, हमने ये पढ़ाया हुआ है, ओके। ये सिर्फ आपको बताती हूँ, हमारा ये हो चुका है। आफ्टर दैट योर क्वेश्चन नंबर 7 इज, 7 में दो पार्ट आएंगे क एंड ख। एक संख्या दी जाएगी, नंबर्स में है वो उसको वर्ड्स में लिखनी है, वर्ड्स में अगर दिए है आगे तो वो नंबर्स में लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 7 क इज, क्या करना है, चूज द करेक्ट आंसर एंड राइट द नंबर्स इन वर्ड्स, ओके। आफ्टर दैट यही क्वेश्चन नंबर 7 क वो अपोजिट, आपको संख्या जो है वो वर्ड्स में दी है आपने नंबर में लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल एक विंशति ही तो 21, ओके, ऐसे सिलेक्ट करके आंसर वहाँ पे उसको टिक करना है। आपका पेपर एमसीक्यू रहेगा, राइट आंसर को आपने टिक करना है सिर्फ, ओके। आफ्टर दैट योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, उचित ही संप्रदान कारक ही अपादान कारक ही वा रिक्त स्थानानि पूरयत। संप्रदान कारक और अपादान कारक मैंने आपको बोला था, ये भी हमारा हुआ है, संप्रदान और अपादान। देखो छात्र, आपको सेंटेंस का मीनिंग समझना है,
इस क्वेश्चन में संप्रदान और अपादान दोनों का दोनों में से राइट आंसर रहेगा। तो आपको ये वाला जो है छात्रा डैश पुस्तक पुस्तकालयम गच्छन्ति स्कूल, छात्रा मतलब स्टूडेंट्स, स्टूडेंट गोज टू लाइब्रेरी फॉर व्हाट, फॉर रीडिंग, फॉर रीडिंग पढ़ने के लिए। यहाँ पे चतुर्थी है, संप्रदान वाला आंसर आएगा, यहाँ पे अपादान नहीं आएगा। और अपादान इस पंचमी आपके ऑप्शंस में भी यहाँ पे अपादान भी नहीं दिया है, तो आपको चतुर्थी दी है, सप्तमी और षष्ठी दी है। तो सप्तमी और षष्ठी का इस यहाँ पे क्वेश्चन नंबर एट में आएगा ही नहीं, एट क में, एट क में चतुर्थी और पंचमी ही आएगा, याद रखो। ओके, तो यहाँ पे बच्चे स्कूल विद्यालय में क्यों जाते हैं, पढ़ने के लिए, तो पठनाय। ये वापस एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा टफ है, आपको ये विभक्ति की पढ़ाई अच्छे से करनी है। डैश नदी निस्सरती हिमालयात, हिमालय से नदी निकलती है। रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम हिमालय, तो फ्रॉम हिमालय, हिमालय से, यहाँ पे सेपरेशन है। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से, यहाँ पे अपादान से। ओके, सो हिमालयात। आप चतुर्थी वाला लेसन है उसकी अच्छे से पढ़ाई करेंगे, उसकी जो एक्सरसाइज है चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी सबकी, क्योंकि क्वेश्चन नंबर एट क ही चतुर्थी पंचमी पे है और एट ख ही षष्ठी सप्तमी पे है। ओके, योर आंसर इज हिमालय। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर एट, संबंध बदई ही मतलब संबंध कारक षष्ठी एंड अधिकरण कारक, अधिकरण कारक बदई ही मतलब सप्तमी विभक्ति। यहाँ पे आपका सप्तमी और षष्ठी दोनों में से राइट आंसर आना चाहिए। देखो ये इस क्वेश्चन में मैंने दो सप्तमी और षष्ठी दोनों आंसर के ऑप्शंस दिए हैं। अपने वर्ड का सेंटेंस का मीनिंग समझना है। बालकः तरन्ति, बालकः मतलब बच्चे, तरन्ति आर स्विमिंग, स्विम्स बच्चे तैरते हैं, कहाँ पे, स्विमिंग पूल में, अधिकरण में पर, तो यहाँ पे सप्तमी, तो तरण ताले। ओके, ये मैंने वापस आपको इसलिए एक्सप्लेन किया कि आपके माइंड में अच्छे से जाए। व्याश वर्ण हो श्वेत हो भवती, कलर इज वाइट, हम क्या बोलेंगे, कलर ऑफ क्रेन, ऑफ क्रेन का कलर। बगुले का, काकी के संबंध, यहाँ पे षष्ठी आनी चाहिए, संबंध कारकम अधिक क्या है, काकी के षष्ठी, तो बकस्य और आंसर इज बकस्य। यहाँ तक हमने लास्ट पीरियड में सीखा हुआ था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, टुडे हम देखेंगे पार्ट थ्री ऑफ योर रिविजन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर नाइन, गद्यांशम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नान उत्तरत। आप कौन से लेसन है, इलेवन सॉरी संप्रदान कारकम थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन, संप्रदान अपादान संबंध एंड अधिकरण, वो चारों लेसन में से किसी भी लेसन की थोड़ी लाइन्स आएगी और उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दिस इज योर सीन पैसेज। ओके, ये कौन सा लेसन का है, देखो देवालय भक्ता भजनम गायंती, छात्राः कक्षायां पठन्ति, बालकाः क्रीडा क्षेत्रे क्रीडन्ति, बालिकाः पुस्तकालये पठन्ति, छात्राः तरणताले तरन्ति, एका बालिका रंगमंचे नृत्यं करोति। कौन सा लेसन है ये, देवालये इन द टेम्पल, मंदिर में, अधिकरण में। ओके, अधिकरण में पर, सो ये सप्तमी वाला लेसन है हमारा, अधिकरण कारकम, उसमें से ये लाइन ली हुई है। तो आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो आपने ऊपर मैसेज में से ही आंसर्स डालने हैं, लिखना। भक्ता कुत्र भजनम गायंती, भक्त कहाँ पर भजन गाते हैं, फर्स्ट लाइन क्या है, देखो देवालय भक्ता भजनम गायंती, सो आवर आंसर इज देवालय। कहाँ पुस्तकालय पठंती, पुस्तकालय मतलब लाइब्रेरी में कौन पढ़ते हैं, देखो यहाँ पे फोर्थ लाइन, बालिकाः पुस्तकालये पठन्ति, सो अवर आंसर क्या हमारा आना चाहिए, हमारा आंसर क्या आना चाहिए, बालिकाः। ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट पूर्ण वाक्य न मतलब आंसर इन फुल सेंटेंस, उसके दो ऑप्शंस दिए जाएंगे। छात्राः कुत्र तरन्ति, छात्र स्टूडेंट्स कहाँ पे स्विमिंग कर रहे हैं, देखो छात्राः तरणताले तरन्ति, फिफ्थ लाइन, फिफ्थ लाइन क्या है, छात्राः तरणताले तरन्ति, दिस इज योर आंसर, क्योंकि वहाँ पे क्या क्या आंसर दिया है, छात्राः सरोवरे तरन्ति एंड छात्राः तरणताले तरन्ति, सो राइट आंसर इज छात्राः तरणताले तरन्ति, स्टूडेंट स्विम्स इन द स्विमिंग पूल। एका बालिका रंगमंचे किम करोति, एक लड़की रंगमंचे, रंगमंच मतलब स्टेज, स्टेज पे क्या कर रही है, क्या करती है, लास्ट लाइन ऑफ दिस पैसेज देखो,
एका बालिका रंगमंचे नृत्यम करोती, एक लड़की स्टेज पर नाच रही है, नृत्य कर रही है। ओके, एका बालिका रंगमंचे नृत्यम करोती। नाउ योर लास्ट क्वेश्चन, परस्परम मेलयत, मतलब मैच द पेयर। ये आपके एक लेसन में है, कौन से लेसन में है ये? संप्रदान कारकम चतुर्थी विभक्ति ही, उसी में से ये पूछे जाएंगे। संप्रदान कारकम चतुर्थी विभक्ति ही, उसकी एक्सरसाइज में ये जो मैच द पेयर है उसमें से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में जो है वो 2 मार्क्स के लिए, वो मैंने एक्सप्लेन किया है आपको, नोट्स भी भेजे, आप वहाँ से पढ़ाई कर लेंगे उसकी। विद्या, विद्या और आंसर दिए है प्रकाशाय, ज्ञानाय, पापाय। विद्या इज फॉर वॉट, विद्या किसके लिए? प्रकाश के लिए, मतलब प्रकाश मतलब लाइट के लिए। ज्ञान, नॉलेज के लिए, ज्ञानाय। पापाय, पाप करना, पाप करने के लिए नहीं। तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए? विद्या इज फॉर ज्ञानाय। वहाँ से ही मैंने ये दिए हुए हैं, अपने वो मैच द पेयर अच्छे से करने हैं। शक्ति ही, ताकत किसके लिए रहती है? दूसरों का रक्षण करने के लिए। ओके, पुण्याय, पुण्य के लिए नहीं। दानाय, दान देने के लिए नहीं। सो शक्ति ही इज फॉर स्ट्रेंथ, शक्ति फॉर रक्षणाय। सो आवर आंसर इज रक्षणाय। आपका लास्ट क्वेश्चन क्या रहेगा? मैच द पेयर फ्रॉम लेसन नंबर, योर लेसन इज संप्रदान कारकम 13th लेसन। ओके, संप्रदान कारकम चतुर्थी विभक्ति ही, उसमें से ये मैच द पेयर आपको पूछे जाएंगे। और उसके पहले वाला जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9, वो आपको पैसेज आपका 13, 14, 15, 16 ये चारों लेसन में से किसी भी लेसन की लाइंस पूछी जाएगी। इतना ही हमारा इस लास्ट पीरियड में बाकी था, सब मैंने ले लिया था। सो आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस प्रॉपरली। आपको ये क्वेश्चन नंबर 9 4 मार्क्स के लिए आने वाला है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे मैंने मार्क्स नहीं लिखे हैं, बट इट इज़ फॉर 4 मार्क्स। यहाँ पे एक पदेन उत्तर इज़ फॉर 2 मार्क्स एंड पूर्ण वाक्य न उत्तर इज ऑल्सो फॉर 2 मार्क्स, टोटल 4 मार्क्स। ओके, लास्ट क्वेश्चन इज फॉर 2 मार्क्स। यहाँ पे हमारी पेपर पैटर्न खत्म हो रही है। आई थिंक यू अंडरस्टैंड ऑल प्रॉपरली। तो हम आपकी लाइव सेशन में अभी कुछ भी डाउट रहेंगे तो सैटरडे के लाइव सेशन में हम क्लियर करेंगे। उस दिन आपके टेबल्स भी मुझे अच्छे से बाय हार्ट चाहिए सबकी। ओके, थैंक यू फॉर योर एग्जाम्स।